हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की कुसुम में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बस आज का ब्लॉग सुबह सुबह मैंने स्टार्ट कर दिया है बथुआ के परांठे से। आजकल सर्दियाँ हो रही हैं ना, तो इसीलिए बथुआ के परांठे तो डेली बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपको बताऊँ तो हमारे घर पर तो अब डेली बथुआ के परांठे बनते हैं। तो बस यहाँ पर ये मेरी बीच वाली बहन है, वो यहाँ पर आग से ताप रही है। आज ना बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ पर सर्दी हो गई थी, तो ये देखो हमारी ये बकरी है तनु अनु, इनको भी तपा दे रही है वो। इसीलिए तो है ना, आज बहुत ज़्यादा कोहरा भी हो गया था। कोहरा तो वैसे डेली होता है, पर आज इतनी सर्दी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर उसके बाद ये दोपहर का टाइम हो रहा है, शायद दोपहर के 2 बज रहे थे, तो बस धूप निकल आई थी काफ़ी। तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, आज लिपाई कर देते हैं, क्योंकि जो घर आंगन है वो ना बहुत ही ज़्यादा, देखो आप मेरा चूल्हा देखो कितना ज़्यादा बेकार हो गया है। तो बस फिर मैंने कहा आज चलो लिपाई कर देते हैं। इसी बात पर तो मैंने सबसे पहले इसमें पियरा मिट्टी ले ली है और गोबर ले लिया। अब मैं इसको अच्छे से सान लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं गोबर की लिपाई। तो आप ये देखो हमारे घर में ना नौना हो गया है, तो ऐसा लगता है सब पूरा घर बेकार हो गया है, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। करी कराई आप जितना भी लीपने की कोशिश करो, पर वो सारा इतना नमक होती है ना, इतनी मिट्टी डलवाई, इतनी और भी मम्मी ने मिट्टी डाली, पर बिल्कुल भी नहीं नौना हमारे घर का ख़त्म होता है। ये पता नहीं कैसी अजीब सी मिट्टी है ना, इसीलिए। तो बस ये देखो अब मैं जल्दी जल्दी से चूल्हा को लीप ले रही हूँ। मतलब मैंने आज चूल्हा चौका आंगन मैंने आज सभी को अच्छे से लीप डाला। मैंने कहा बहुत ही यार धूल उड़ती है तो अच्छा नहीं लगता, अब झाड़ू लगाते हैं, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से लीप लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो बस मैंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी दिनों से लिपाई भी नहीं हुई थी। तो ये देखो मैंने लास्ट टाइम टाइल्स बनाई थी, फिर उसके बाद से शायद मैंने लिपाई नहीं की थी। तो बस मैंने कहा ऐसे ही लिपाई भी हो जाएगी। और ये देखो, और आज ना मैंने बहुत ही यार डिज़ाइनदार लिपा है अपने आंगन को पूरे को और चूल्हा चौका को। तो बस इसीलिए मैं लग गई काम में। मैंने कहा खाना पीना खाया, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो लिपाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये देखो कैसी लिपाई कर रही हूँ मैं, और मेरी तरह से कौन कौन लिपाई करता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो लिपाई करना बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग अपना बताना आप सबको कैसा लगता है। तो बस जल्दी जल्दी से लिपाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं आए की लिपाई। तब तक आप सभी लोग मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लिया करो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतने लोग वीडियो देखते हो, जस्ट जैसे ही वीडियो को लगाया करो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो जो नए व्यूअर्स से, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। चलो देखो आप सभी
ये देखिए अब मैंने पूरा चौका की लिपाई कर ली है, फिर उसके बाद अब मैं करूँगी आंगन की लिपाई। तो फिर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, फिर काफ़ी दिनों से घर में धान भी रखा था, तो फिर मैंने कहा कब करें। तो मैंने कहा अब सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो अब एक काम करते हैं, अब लिपाई कर देते हैं, तो बस अब साफ़ सुथरा डला रहेगा, अब कुछ काम भी नहीं है इतना। जब धान का काम होता है तब तो घर में इतना ज़्यादा कूड़ा करकट हो जाता है, और आपको पता है कि धूल तो कितनी ज़्यादा उड़ती है झाड़ू लगाते समय। तो बस इसीलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी से कर देते हैं आंगन की लिपाई। तो बस ये देखिए आप सभी, तब तक आपसे वीडियो को लाइक कर देना। बस मेरी ज़्यादातर सारी लिपाई हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत और रह गई है। वैसे तो मैंने सोचा था इसमें गाज गेरू डाल के लिपाई करेंगे, पर फिर हमारे घर पर गेरू है नहीं। उस दिन जब मैं मार्केट गई थी तो फिर मेरे दिमाग से भी उतर गया था कि मुझे गेरू लेके आना। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं, ऐसे ही लिपाई कर लेते हैं बिना गेरू के। तो बस जल्दी जल्दी से लिपाई कर दे रही, और वैसे मम्मी भी लिपाई कर देती, पर मम्मी को मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है, और आपको पता है जो मेरी दोनों छोटी बहनें उनको लिपाई करना बिल्कुल आता नहीं है, तो बस बची कौन मैं। तो बस इसीलिए मुझे ही लिपाई करनी होती है। तो फिर मैंने कहा कर देते, आलस क्या करना, ठंड तो काफ़ी हो रही थी। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, अब अगर ऐसे ठंड देखते रहेंगे तो फिर हो नहीं पाएगी लिपाई, तो लिपाई तो करनी थी। तो बस फिर मैं लिपाई कर दी। मैं आपको बताऊँ, और जब मैं लिपाई करी थी तो आज ये इसके मैं दूसरे वाले दिन मतलब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो अभी तक आपको मैं दिखाऊँगी, फिर कभी नेक्स्ट ब्लॉग में पूरी लिपाई ख़राब हो गई है। मतलब घर में इतना ज़्यादा नोना होता है ना भाई, ये मिट्टी पता नहीं हमारे यहाँ की कैसी है, तो बस बहुत ही ज़्यादा ख़राब मिट्टी है। तो इसीलिए आप ये देखिए यहाँ पर मैं लिपाई कर रही हूँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा नोना हो गया ना, इसी के कारण ये अच्छे से लिपाई नहीं हो पाती। आप यहाँ पर कितना भी पानी डाल के लिपाई करो तो ये हो ही नहीं पाती अच्छे से। तो इसीलिए बस अब जल्दी जल्दी से कर लेते हैं लिपाई। फिर इसके बाद मैंने लिपाई वाले ब्लॉग में और कुछ ऐड नहीं किया, क्योंकि फिर मैंने शाम को ब्लॉग बना ही नहीं पाया था। आपको बताऊं लाइट आई नहीं थी, तो फिर फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पाया था। फिर मैंने कहा चलो छोड़ते हैं, आज का ब्लॉग इतना ही डाल देते हैं, छोटा सा सही है, काफ़ी फिर लेंथी हो जाता है फिर। और हमारे यहाँ पर ना आपको बताऊँ, जब मतलब सर्दी ज़्यादा हो जाती है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते, फिर यहाँ पर स्पीड बिल्कुल भी नहीं आती है। तो फिर जब वीडियो अपलोड करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम्स आती है, मैं आपको क्या बताऊँ वीडियो अपलोड करने में। तो इसीलिए बस मैं कहती हूँ फिर 10 से 11 बजे के टाइम, जब तक जो कोहरा होता है वो हटे ना, तब तक तो बिल्कुल स्पीड ही नहीं आती है। तो बस इसीलिए वीडियो आजकल आ नहीं पाती है डेली, और अब डेली ब्लॉग आ नहीं पाते क्योंकि नेट भी नहीं बिल्कुल होता है। अब आप ही बताइए 1.5 GB एक दिन में नेट मिलता है, 1.5 GB नेट में कितना हो पाएगा, वीडियो अपलोड हो पाएगी, क्या क्या हो सकता है। फिर देखना भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए देख भी लेते हैं। तो बस इसीलिए अब एक दिन तो मैंने जस्ट वीडियो अपलोडिंग पे लगाई थी, मैं आपको क्या बताऊँ 11 मिनट की बस वीडियो थी, जैसे ही मैंने अपलोडिंग पर लगाई बस उसके बाद उस वीडियो ने इतनी स्पीड से 3.4 MB की स्पीड आ रही थी, और सारा नेट खर्च हो गया, 50 कलर्ट आ गया, 90 कलर्ट आ गया, 100 कलर्ट आ गया, और वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाई थी, इतनी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर नेट की। और आपको पता है हमारे घर पर वाईफाई तो लगानी है कि जस्ट एकदम से तुरंत वीडियो अपलोड हो जाए, तो इसीलिए काफ़ी दिक्कत आती है। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो आए, पर अब से एक दिन छोड़कर ही वीडियो आया करेगी, जैसे आज हो गई तो फिर कल नहीं आएगी, परसों आएगी, तो इसीलिए आपसे भी एडजस्टमेंट कर लेना। तो बस अब हमारी लिपाई कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको फाइनल लुक दिखा दे रही हूँ लिपाई का, और आप सभी बताना कि कमेंट करके कि आप सभी को मेरी लिपाई कैसी लगी। तो आज का वीडियो इसी उम्मीद का समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।